जिसको पेटीएम है, जिसको फ़ोनपे है, सभी का है। जो कभी किसी को ऐसा कॉल करके पूछे तो OTP वगैरह। नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम जनार्दन त्रिपुरा, मैं साउथ त्रिपुरा से हूँ। मैं केरला में काम कर रही है वाइमोल में। आज मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मेरा जो घटना हुआ है इस घटना को आप लोग को बताना चाहता हूँ। सभी लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम यूज़ करता है। जब भी हम पैसा भेजते हैं, कभी कभार जिसको पैसा भेजता है, कभी कभार पेंडिंग हो जाता है। जिसको पैसा भेजता है उसे अकाउंट पे पैसा नहीं पहुँचाता है कि पेंडिंग होता है, थोड़ा टाइम के बाद क्रेडिट होगा या सक्सेसफुल होगा, ऐसा कभी होता ही रहता है, कभी कभार होता है। तो मैं 2 दिन पहले मेरा फ्रेंड्स का अकाउंट में 7,000 पैसा भेजा। उस 7,000 पैसा मेरा फ्रेंड्स का अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, पेंडिंग था। तो 2 दिन हो गया है आज से। पेटीएम में बताया गया कि 3 वर्किंग डे अंडर अंडर आपका रिफंड आएगा। मेरा अकाउंट BOB बैंक ऑफ बड़ौदा, अगर फेल हो गया तो आपका BOB के थ्रू आएगा। क्लियरली टोल फ्री नंबर पे कॉल भी करके पूछा, बता भी दिया, मैं विश्वास भी किया। आज सुबह में मैं सो के उठा, मेरा पास 2 बार कॉल आया है कंपनी जो पेटीएम के थ्रू। मुझे मालूम नहीं कॉल आया था, मैं कॉल रिस्पॉन्ड नहीं किया, कॉल अटेंड नहीं किया। तो बाद में मैं ब्राउज करने के बाद मैं दोबारा मोबाइल देखा, कॉल आ रहा है। उस समय पे मैं कॉल रिस्पॉन्ड किया, बता रहा है आप जनार्दन त्रिपुरा है क्या? तो मैंने बोला हाँ, पेटीएम के थ्रू से बोल रहा मैं, आपका अकाउंट पे आपका रिफंड मिल जाएंगे। अभी आपका पेंडिंग 7,000 था, वो आपको अभी रिफंड दिया जाएगा। क्लियरली ये बात कहा पेटीएम की जो टोल फ्री नंबर में जो भी व्यक्ति है, वो लोग ने मुझे कॉल किया है। तो मैं उस समय पे आशा किया, मैं ठीक है, मैं अरे मेरा अकाउंट में आएगा बोला तो मैं विश्वास ही किया है, ठीक है आएगा। तो और मेरा खुश हो गया, आने बोला तो आ नहीं दो। तो उस समय पे मैं ऐसा बात हुआ है ATM के थ्रू, जो कस्टमर केयर हो, टोल फ्री हो, जो भी मुझे कॉल किया था उस नंबर से ऐसा बात हुआ है। तो उसने बोला फिर आप रिफंड करना चाहता है, मिलना चाहता है आपका पैसा, आप प्ले स्टोर में जाए आप एक ऐप से एस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। तो मैंने पूछा कि कौन सा ऐप से, उसने बताया कि वो ऐप्स का नाम है एनीडेक्स। तो एनीडेक्स का मतलब क्या होता है उस समय पे मैं मालूम नहीं था, बाद में फिर मेरे को मालूम आ गया एनीडेक्स का मतलब होता है क्या है, किसी फ़ोन से और किसी फ़ोन को रिमूव करना है, जैसे आपका फ़ोन से दूसरा फ़ोन चला सकता है, ऐसा ऐप्स था वो। तो मैं भी थोड़ा सा कॉन्फ्यूज में थे, गलती भी मेरा भी होगा, लेकिन ऐसा हो गया। जैसे ऐप्स को इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद उसको ओपन करने के लिए बोला, ओपन कर दिया, तो गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, मेरा दो था, पेटीएम और फ़ोन पे था। मैं पेटीएम में भेज रहा है, जिसे कोई पैसा भेज रहा है, तो उसने बोला है आप पेटीएम ऑप्शन में जाइए। तो मैं बोला पेटीएम ऑप्शन में जाके क्या करूँगा? उसने बोला आप पेटीएम ऑप्शन में जाइए, मैं जो बोला वो करो, आपका जितना रिफंड मिलना है अमाउंट वो आपके अपने तुरंत आएंगे, ये बार कहा। तो ठीक है, मैं विश्वास किया है उसको कि रिफंड देगा बोल के। जैसे बताया मैं उसी हिसाब से, जैसे बताया उसी हिसाब से, ये क्लिक करो, ये क्लिक किया, एलो दे दो, एलो दिया, ये एक्सेप्ट करो, ये एक्सेप्ट किया, जैसे बोला वैसे किया मैं। बाद में 2 सेकेंड के अंदर में मेरा ATM का पैसा ट्रांजेक्शन जो पहले हुआ है वो भी रिफंड नहीं आया, और जितना था मेरा अमाउंट का 21,186 था, 21,000 डेबिट हो गया मेरा अकाउंट से, SMS मिला। तो जैसे मेरा अकाउंट से उल्टा पैसा ट्रांजेक्शन हो गया है,
किसी अकाउंट पे, ये क्यों ऐसा आप किया बोलने से वो खुद ही कोड ब्लैंक काट के दिया है। तो मैं तुरंत उसको फिर दोबारा कॉल किया, ऐसा क्यों किया। बाद में मेरा फ़ोन नंबर उसका फ़ोन में कॉल लग रहा ही नहीं, कि बिजी करके रखा। फिर मुझे डाउट लग गया है मेरा अकाउंट से पैसा लाने के लिए ये किया है, मुझे घबराया है। तुरंत मैं पासबुक लेके जाकर बैंक में गया है, बैंक में जाकर बैंक मैनेजर को पूछा। बैंक मैनेजर पूरा मिनी स्टेटमेंट देखा, मिनी स्टेटमेंट देखने के बाद मेरे अकाउंट में जितना पैसा ट्रांजेक्शन हुआ है, दो बार ट्रांजेक्शन हुआ गया। फर्स्ट डे 19,999, सेकेंड में 1,200, टोटल मेरा 21,000 काट के लिया। तो मैं ब्रांच मैनेजर से बात किया, ऐसा ऐसा हुआ है मेरा सा हुआ है ऐसा बोल के बोला। तो ब्रांच मैनेजर बोला वो तो हमारा थ्रू नहीं है, पेटीएम के थ्रू है। तो पेटीएम को टोल फ्री नंबर पे आप पूछा है, तो वो लोग आपका डिटेल्स मांग लिया, आप क्यों दिया है ये बात बोला है। तो वो लोग कुछ नहीं कर सकता, बैंक में जो मैनेजर लोग हैं ये लोग नहीं कुछ कर सकता। मेरा तरफ से, हमारा बैंक को तरफ से होने से हम कुछ कर सकता है, रिफंड कुछ दे सकता है। पेटीएम के थ्रू हम लोग चांसेस नहीं ले सकता बोल के वो लोग ने मुझे एक दिया मैसेज। तो मैं चाहता है बोल के उनको बोला है, मेरा एटीएम अभी ब्लॉक में रखिए, मैं दोबारा एटीएम अप्लाई करूँगा बोला है। तो मेरा एटीएम को ब्लॉक करके रखा। उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन में जाने के लिए तैयार हुआ है, मैं पुलिस स्टेशन में एफआईआर करूँगा बोल के। पुलिस स्टेशन में जाने के लिए मैं उनको पूछा एफआईआर करने से क्या होगा। एफआईआर करने से भी वो लोग बोला, ब्रांच मैनेजर लोग बोला एफआईआर करने से भी वो लोग सजेस्ट करेंगे तो मिलेगा या मिलेगा, हम लोग कंफर्म बता नहीं सकता। एफआईआर कर सकता है, रजिस्टर करो फिलहाल में बोला। तो मैं ठीक है बोल के रजिस्टर करने के लिए, केस फाइल करने के लिए बड़े पर पुलिस स्टेशन में गया। पुलिस स्टेशन में जाकर मैं पुलिस स्टेशन में जाकर उधर का इंस्पेक्टर से मिला, उनसे बात किया। जैसे मैं ऑनलाइन से थ्रू जैसे बात हुआ है मैं उनसे भी थ्रूली बात किया है, उसको भी मैं पूरा क्लियरली बताया है। जो ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, उनसे भी बात किया मैं बताया। तो उन लोगों ने बोला थे कि आप इसको हमको बताया बा, हम दो दिन के बाद आपको नोटिफिकेशन देंगे। जो मेरा डिटेल्स ले लिया है, कितना अमाउंट काट गया है, कौन सा अकाउंट का, ये सब डिटेल्स मैं दे दिया है उधर। पुलिस फिर करके आया, तो आने की बार अभी मैं ये हालत में है कि मेरा पैसा वापस मिलने वाला नहीं है। मुझे लग रहा है मैं नहीं मिलूँगा ये पैसा को और दोबारा। तो ये मैं आप लोग को, जितना भी मेरा फ्रेंड्स लोग है, ये बात कहना चाह रहा हूँ। आप लोग जिसको एटीएम है, जिसको पेटीएम है, जिसको फ़ोनपे है, सभी का है, जो कभी किसी को ऐसा कॉल करके पूछे तो ओटीपी वगैरह, आपका एटीएम का नंबर वगैरह, इसको बताना नहीं चाहिए, बताना भी नहीं, मत बताओ। ऐसा बताने से ऐसा हो जाता है, आप लोग को इस बात को आप सुन लीजिए। मेरा साथ ऐसा हुआ है, मेरा घटना कि मैं 2 साल से काम कर रहा है, इतना मेहनत का पैसा, मेरा आज का सुबह क्रेडिट डेबिट हो गया है। तो मैं, मेरा दिल भी अच्छा नहीं है, तो ऐसा हो गया है। तो मेरा भी गलती ही होगा इसमें, क्यों मैं उन लोग को ऐसा जो डिटेल पूछे तो मैं बताया है। तो मेरा जैसा और कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, और माठ हो ऐसा, इसीलिए मैं बता रहा है। कोई भी एप्स यूज़ करते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, कंपनी थ्रू कोई भी आपको कॉल करता है, ओटीपी पूछे कि एटीएम का वैलिड नंबर पूछे कि एटीएम का नंबर पूछे, तो नहीं बताना। बताएगा तो आपका अकाउंट के पैसा कट जाएगा, वो लोग काके ले लेंगे, तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे मैं हुआ है ऐसा, और मैं तो पहले बार हो रहा है, ऐसा होगा भी नहीं है, सपना में भी मैं नहीं सोचा ऐसा हो गया है। तो मैं विश्वास करता है कि वो मेरा को डायरेक्टली कॉल किया है। जैसे मेरे को 7,000 रिफंड मिलने वाला है, तो आपका रिफंड मिल जाएंगे, तो इसीलिए मैं भी विश्वास किया है। विश्वास करके ना मेरा जो एब्सेंट करना है या एलो करना है, जो भी बताया उनको करना है, मैंने कर लिया। तो इसी ड्रॉ में अकाउंट का, मेरा अकाउंट का पैसा क्रेडिट डेबिट हो गया। तो मैं अभी उस पैसा को मिलने वाला नहीं है।
केस फेल तो किया है, वो लोग क्या कर सकता है, वो तो उन लोग का ऑफर में है। मैं तो केस फाइल किया है, मैं केस फाइल किया कि पैसा मिलूंगा या नहीं मिलूंगा, मुझे सभी नहीं कि मिलूंगा। तो इसीलिए आप लोगों भी होशियार रहो कि जो भी पेटीएम फोन पे यूज़ करता है तो कोई कॉल करके पूछता है आपका डिटेल्स मांगिए तो नहीं देना है। मैं ऐसा हुआ है आज, मेरा पैसा पूरा 21,000 काट के ले लिया। तो आपके होने से कैसा होगा, तो मेरा होने से मैं तो अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा आज तक मन अच्छा नहीं हो रहा है। तो यही बोलना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरा मन खराब है। तो इतना बोल के मैं सभी को नमस्कार। हाँ भाई, तो उस समय पे मैं ऐसा बात हुआ है एटीएम की थ्रू, जो कस्टमर केयर हो, टोल फ्री हो, जो भी मुझे कॉल किया था उस नंबर से ऐसा बात हुआ है। तो उसने बोला फिर आप रिफंड करना चाहता है, मिलना चाहता है आपका पैसा, आप प्ले स्टोर में जाए आप एक ऐप्स है, एस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। तो मैंने पूछा कि कौन सा ऐप्स है, उसने बताया कि वो ऐप्स का नाम है एनी डेस्क। तो एनी डेस्क का मतलब क्या होता है उस समय पे मैं मालूम नहीं था, बाद में फिर मेरे को मालूम आ गया एनी डेस्क का मतलब होता है क्या है, किसी फ़ोन से और किसी फ़ोन को रिमूव करना है, जैसे आपका फ़ोन से दूसरा फ़ोन चला सकता है, ऐसा ऐप्स था वो। तो मैं भी थोड़ा सा कॉन्फ्यूज में थे, गलती भी मेरा भी होगा, लेकिन ऐसा हो गया जैसे ऐप्स को इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद उसको ओपन करने के लिए बोला, ओपन कर दिया तो गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, मेरा दो था, पेटीएम और फ़ोन पे था। मैं पेटीएम में भेज रहा है, जिसे कोई पैसा भेज रहा है, तो उसने बोला है आप पेटीएम ऑप्शन में जाइए। तो मैं बोला पेटीएम ऑप्शन में जाके क्या करूँगा, उसने बोला आप पेटीएम ऑप्शन में जाइए, मैं जो बोला वो करो, आपका जितना रिफंड मिलना है अमाउंट वो आपके अपने तुरंत आएंगे, ये बार कहा। तो ठीक है, मैं विश्वास किया है उसको कि रिफंड देगा बोल के, जैसे बताया मैं उसी हिसाब से, जैसे बताया उसी हिसाब से ये क्लिक करो, ये क्लिक किया, एलो दे दो, एलो दिया, ये एक्सेप्ट करो, ये एक्सेप्ट किया, जैसे बोला वैसे किया मैं। बाद में 2 सेकेंड के अंदर में मेरा एटीएम का पैसा ट्रांजेक्शन जो पहले हुआ है वो भी रिफंड नहीं आया, और जितना था मेरा अमाउंट का 21,186 था, 21,000 डेबिट हो गया मेरा अकाउंट से, एसएमएस मिला। तो जैसे मेरा अकाउंट से उल्टा पैसा ट्रांजेक्शन हो गया है किसी अकाउंट पे, ये क्यों ऐसा आप किया बोलने से वो खुद ही खुद लाइन काट के दिया है। तो मैं तुरंत उसको फिर दोबारा कॉल किया, ऐसा क्यों किया। बाद में मेरा फ़ोन नंबर उसका फ़ोन में कॉल लग रहा ही नहीं, बिजी करके रखा। फिर मुझे डाउट लग गया है मेरा अकाउंट से पैसा लाने के लिए ये किया है, मुझे घबराया है। तुरंत मैं पासबुक लेके जाकर बैंक में गया है, बैंक मैनेजर को पूछा, बैंक मैनेजर जो मैनेजर लोग हैं ये लोग नहीं कुछ कर सकता, मेरा तरफ से, हमारा बैंक को तरफ से होने से हम कुछ कर सकता है, रिफंड कुछ दे सकता है, पेटीएम के थ्रू हम लोग चांसेस नहीं ले सकता बोल के वो लोग ने मुझे एक दिया मैसेज। तो मैं चाहता है बोल के उनको बोला है मेरा एटीएम अभी ब्लॉक में रखिए, मैं दोबारा एटीएम अप्लाई करूँगा बोला है, तो मेरा एटीएम को ब्लॉक करके रखा। उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन में जाने के लिए तैयार हुआ है, मैं पुलिस स्टेशन में एफआईआर करूँगा बोल के, पुलिस स्टेशन में जाने के लिए मैं उनको पूछा एफआईआर करने से क्या होगा। एफआईआर करने से भी वो लोग बोला, ब्रांच मैनेजर लोग बोला एफआईआर करने से भी वो लोग सजेस्ट करेंगे तो मिलेगा या मिलेगा, हम लोग कंफर्म बता नहीं सकता, एफआईआर कर सकता है, रजिस्टर करो फिलहाल में बोला। तो मैं ठीक है बोल के रजिस्टर करने के लिए, केस फाइल करने के लिए बड़े पर पुलिस स्टेशन में गया। पुलिस स्टेशन में जाकर उधर का इंस्पेक्टर से मिला, उनसे बात किया, जैसे मैं ऑनलाइन के थ्रू जैसे बात हुआ है
मैं उनसे भी थ्रूली बात किया है, उसको भी मैं पूरा क्लियरली बताया है, जो ऑफिसर है पुलिस ऑफिसर है उनसे भी बात किया मैं बताया, तो उन लोगों ने बोला थे कि आप इसको हमको बताया, हम 2 दिन के बाद आपको नोटिफिकेशन देंगे, जो मेरा डिटेल्स ले लिया है, कितना अमाउंट काट गया है, कौन सा अकाउंट का, ये सब डिटेल्स मैं दे दिया है उधर पुलिस, फिर करके आया, तो आने के बाद अभी मैं ये हालत में है कि मेरा पैसा वापस मिलने वाला नहीं है, मुझे लग रहा है मैं नहीं मिलूँगा ये पैसा को और दोबारा। तो ये मैं आप लोग को, जितना भी मेरा फ्रेंड्स लोग है, ये बात कहना चाह रहा हूँ, आप लोग भी जिसको एटीएम है, जिसको पेटीएम है, जिसको फ़ोनपे है, सभी का है, जो कभी किसी को ऐसा कॉल करके पूछे तो OTP वगैरह, आपका ATM का नंबर वगैरह, इसको बताना नहीं चाहिए, बताना भी नहीं मत बताओ, ऐसा बताने से ऐसा हो जाता है, आप लोग को इस बात को आप सुन लीजिए, मेरा साथ ऐसा हुआ है, मेरा घटना कि मैं 2 साल से काम कर रहा है, इतना मेहनत का पैसा, मेरा आज का सुबह क्रेडिट डेबिट हो गया है, तो मैं मेरा दिल भी अच्छा नहीं है, तो ऐसा हो गया है, तो मेरा भी गलती ही होगा इसमें, क्यों मैं उन लोग को ऐसा जो डिटेल पूछे तो मैं बताया है, तो मेरा जैसा और कोई ऐसा नहीं होना चाहिए और मत हो ऐसा, इसीलिए मैं बता रहा है, कोई भी एप्स यूज़ करते हैं, फ़ोनपे है, जिसको पेटीएम है, जिसको फ़ोनपे है, सभी का है, जो कभी किसी को ऐसा कॉल करके पूछे तो OTP वगैरह, आपका ATM का नंबर वगैरह, इसको बताना नहीं चाहिए, बताना भी नहीं मत बताओ, ऐसा बताने से ऐसा हो जाता है, आप लोग को इस बात को आप सुन लीजिए, मेरा साथ ऐसा हुआ है, मेरा घटना कि मैं 2 साल से काम कर रहा है, इतना मेहनत का पैसा, मेरा आज का सुबह क्रेडिट डेबिट हो गया है, तो मैं मेरा दिल भी अच्छा नहीं है, तो ऐसा हो गया है, तो मेरा भी गलती ही होगा इसमें, क्यों मैं उन लोग को ऐसा जो डिटेल पूछे है तो मैं बताया है, तो मेरा जैसा और कोई ऐसा नहीं होना चाहिए और मत हो ऐसा, इसीलिए मैं बता रहा है, कोई भी एप्स यूज़ करते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, कंपनी थ्रू कोई भी आपको कॉल करता है, OTP पूछे कि ATM का वैलिड नंबर पूछे कि ATM का नंबर पूछे तो नहीं बताना, बताएगा तो आपका अकाउंट के पैसा कट जाएगा, वो लोग काट के ले लेंगे, तब आप कुछ नहीं कर पाओगे, जैसे मैं हुआ है ऐसा, और मैं तो पहले बार हो रहा है, ऐसा होगा भी नहीं है, सपना में भी मैं नहीं सोचा ऐसा हो गया है, तो मैं विश्वास करता है कि वो मेरा को डायरेक्टली कॉल किया है, जैसे मेरे को 7,000 रिफंड मिलने वाला है तो आपका रिफंड मिल जाएंगे, तो इसीलिए मैं भी विश्वास किया है, विश्वास करके ना मेरा जो एक्सेप्ट करना है या एलो करना है, जो भी बताया उनको करना है, मैंने कर लिया, तो इसी ड्रॉ में अकाउंट का, मेरा अकाउंट का पैसा क्रेडिट डेबिट हो गया, तो मैं अभी उस पैसा को मिलने वाला नहीं है, तो कैश फेल तो किया, वो लोग क्या कर सकता है, वो तो उन लोग का ऑफर में है, मैं तो कैश फेल किया, मैं कैश फेल किया कि पैसा मिलूंगा या नहीं मिलूंगा, मुझे सभी नहीं कि मिलूंगा, तो इसीलिए आप लोगों को भी होशियार रहो कि जो भी पेटीएम फ़ोनपे यूज़ करता है तो कोई कॉल करके पूछता है आपका डिटेल्स मांगिए तो नहीं देना है, मैं ऐसा हुआ है आज, मेरा पैसा पूरा 21,000 काट के ले लिया, तो आपके होने से कैसा होगा, तो मेरा होने से मैं तो अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा आज तक मन अच्छा नहीं हो रहा है, तो यही बोलना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरा मन खराब है, तो इतना बोल के मैं सभी को नमस्कार, हाँ भाई।